कि जाकिर नायक की बात कर लेते हैं, क्योंकि गेमिंग से धर्मांतरण केस में भगोड़े जाकिर नायक का भी कनेक्शन सामने आ गया है। जाकिर नायक भारत से भाग चुका है, लेकिन उसका नफरती खेल खत्म नहीं हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हिंदू युवाओं और नाबालिगों का ब्रेन वॉश करने के लिए जाकिर नायक अब वीडियो गेम का सहारा ले रहा है। ये जो गेमिंग जिहाद का जाकिर कनेक्शन, गेमिंग जिहाद का जाकिर कनेक्शन, देखें इस रिपोर्ट में। विदेशी जमीन पर पल रहे ऐसे कितने ही जहरीली जमात हैं जो भारत के हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, और उन्हीं में से एक है भारत का दुश्मन और इंसानियत का दुश्मन, कट्टर धर्म गुरु जाकिर नाइक। लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा, मतलब आप गैर मुस्लिम है। तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जब भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जिसके दिमाग में भरा है जहर और दिल में हिंदुओं के प्रति नफरत, वो जाकिर नाइक भारत से फरार है। लेकिन अब उसकी नफरती तस्वीरें भारत के हिंदू बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को अपना टारगेट बना रही हैं। जाकिर के संगठन की ओर से जो एप्स बनाई गई उसे भारत में बैन कर दिया गया, जिसमें कई गेमिंग एप्स भी हैं। लेकिन अब जाकिर को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जाकिर के लिए कई ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई हैं जो रूट बदलकर भारत में दिखाई जा रही हैं। जाकिर नाइक अपने फॉलोअर्स को बरकरार रखने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहा है, और इसकी मदद से उसे मोटा डोनेशन भी मिलता है। अहमदाबाद की साइबर सेल जाकिर नाइक के नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है। अहमदाबाद साइबर सेल यूनिट का दावा है कि गुजरात में 24 घंटे में 7500 लोगों ने जाकिर नाइक के वीडियो देखे। वीडियो और गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को बहकाकर उनसे मोटा डोनेशन लेने का आरोप है। भारत में सभी ऐप पर बैन लगने के बाद जाकिर नाइक पर 4 अलग अलग नई वेबसाइट बनाने का आरोप। जांच एजेंसियों ने यह भी बताया कि हिंदू युवक युवतियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एप्स की जगह APK फाइल्स भेजकर रन करवाने का लालच दिया जाता है। जैसे ही APK फाइल्स एक्टिव होती हैं, यूजर के कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो जाते हैं। अंदेशा है कि यूजर्स की तस्वीरें और उनकी डिटेल्स का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए भी किया जा सकता है। इतने गंभीर मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी जांच के आदेश देकर रिपोर्ट तलब किया है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इस तरीके से धर्मांतरित करने वाले बच्चों को जो ग्रोह थे वो काम कर रहे थे, तो हमने भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ये निवेदन किया है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की जांच की जाए। इसके अलावा जो ऐसे इंटरफेस हैं जहां इस तरीके के गेमिंग ऐप होस्ट हो रहे हैं, उनकी भी एक विस्तृत जांच की जाए, आयोग को इससे अवगत कराया जाए, जिससे हम भविष्य में बच्चों को इससे दूर रखने के कदम उठा सकें। कोई भी गेमिंग ऐप होगा तो किसी न किसी इंटरफेस पे होस्ट होगा, वहीं से लोग डाउनलोड करेंगे। तो हमने यही मंत्रालय को निवेदन किया है कि ऐसे इंटरफेस जहां इस तरीके के ऐप होस्ट हो रहे हैं उनको आगाह किया जाए। इस तरीके की प्रणाली होनी चाहिए कि बच्चों का एक्सेस जहां भी इंटरनेट की किसी भी ऐप में या किसी प्लेटफॉर्म में हो, वो सुरक्षित होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए, मॉनिटरिंग के दायरे में होना चाहिए। इसलिए इंटरफेसेस की जिम्मेदारी इस मामले में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। गेमिंग से धर्मांतरण की जांच में आरोपी शाहनवाज और बद्दो को लेकर भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। शाहनवाज और बद्दो गेम खेलने में एक्सपर्ट था, और यही वजह है कि उसके साथ गेमिंग ऐप में जुड़े लोग गेम खेलना चाहते थे, और इसी का फायदा उठाकर उसने धर्मांतरण के इस रैकेट को खड़ा किया। उसके गेमिंग ऐप में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, और फिर वो गेम जीतने के लिए बच्चों पर कुरान की आयतें पढ़ने का दबाव बनाने लगा। धर्मांतरण कराने के लिए फोर्टनाइट गेम ऐप पर ऑनलाइन गेम खेलते थे, जिसमें खेलने वाली कुछ फर्जी आईडी हिंदू नामों से होती थी। उसमें ये कहते थे कि अगर जीतना है तो आयत पढ़ो, और युवाओं को धीरे धीरे आयतें पढ़ाना और उन पर भरोसा करने के लिए उकसाया जाता था, जिसके लिए उन्हें आयतें पढ़ने के बाद गेम में भी जिताया जाता था। फिर दूसरे स्टेप में डेकॉर्ड ऐप के द्वारा इनसे चैटिंग कर युवाओं का भरोसा जीता जाता था, और उन्हें इस्लामिक रीतियों की जानकारी दी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे जाकिर नायक और वीडियो दिखाकर इस्लाम कबूल करने के लिए बरगलाते थे। जब बच्चे इस्लाम कबूल कर लेते थे तो उनका एफिडेविट भी बनवा देते थे। उसके दो पक्ष है। पहली बात तो ये है कि भारत की धरती पर जहर उगलने की उनकी हिम्मत नहीं है, ये अच्छा पक्ष है।
बुरा पक्ष है कि वो भारत छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, भारत की कानून व्यवस्था से अपने आप को दूर कर चुके हैं। अब उन समाजों को जहाँ जहाँ इस प्रकार के तत्व हैं, वो केवल भारत विरोधी नहीं है, वो समाज विरोधी है, तो वहाँ के समाज को अपनी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार के तत्वों को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो उन्हीं के समाज के लिए ये भयावह स्थिति पैदा होगी।